आज हम नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। नैनो मटेरियल्स क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या यूजेज हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नैनो ग्रीक शब्द नैनोज या लैटिन के नानुस से आया है और नैनो का मतलब है ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स बोना। फिजिक्स में उपसर्ग के रूप में प्रीफिक्स जो है नैनो का मीनिंग है 10^-9। ये नैनो मटेरियल्स वे पदार्थ हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर यानी 10^-9 मीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। वे नैनो पदार्थ उन पदार्थों से नैनो पदार्थ और इन पदार्थों से संबंधित विज्ञान को नैनो विज्ञान कहते हैं एवं संबंधित तकनीकी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो विज्ञान मुख्यतः नैनो संरचना वाले पदार्थों के संश्लेषण, उनके अन्वेषण, उनके करेक्टराइजेशन तथा यूजेज में लेने से संबंधित है। 1 नैनोमीटर यानी 10^-9 मीटर या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर का 1/1000 भाग, या फिर हम ये कहें कि 10 हाइड्रोजन या 5 सिलिकॉन परमाणु को एक लाइन में जमा कर अगर उनकी लंबाई नापी जाए तो उसके बराबर की जो लेंथ है वो इस नैनो मटेरियल की होती है। नैनो पैमाने यानी नैनो स्केल पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अनुपात जो है वो पदार्थ के आकार में परिवर्तन से संबंधित है। ये जो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो है ये ही इसका जो है नेटो नैनो मटेरियल जो है उसकी परफॉर्मेंस की प्रोमिनेंट इफेक्ट देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये दो प्रिंसिपल्स पे नैनो मटेरियल की जो फैब्रिकेशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो एक ये है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम, यानी हम ये कहें कि जो किसी भी उसके पदार्थ के सतही क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात को आयतन के अनुपात में निर्भर करता है। यानी आयतन का यानी हम अगर लेते हैं किसी स्फेरिकल उसके लिए लें, गोले के लिए लें तो 4π² / 4/3πr³ इज इक्वल टू 3/r। 3/r है तो यहाँ पे हम देखें कि सतही क्षेत्रफल के जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन घटेगा और कणों का आकार भी घटेगा। सो सरफेस एरिया जो है किसी भी इस नैनो मटेरियल के अंदर 30 नैनोमीटर जो है इसकी जो इसकी रेंज तक का जो एटम्स हैं वो 5% होंगी और 20% जो है पार्टिकल्स वो 10 नैनोमीटर तक के होते हैं। इनका जो है ज़्यादातर जो सरफेस एरिया जो है वो 10 नैनोमीटर तक की रेंज के पार्टिकल्स का होता है और इस रेंज के पार्टिकल्स हैं ये जो है वो रासायनिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो हम ये कहें कि नैनो स्केल पर पदार्थों का आकार कम से कम 1 μm यानी ये नैनोमीटर का होता है। इससे पदार्थ में आवेश वाहकों की गति एवं अनुमत ऊर्जा स्तरों पर प्रतिबंध लग जाता है। इसको क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं और जो है ये इस टर्म को अगर हिंदी में हम कहें शुद्ध रूप से तो क्वांटम प्रतिरोध कहते हैं। सो दो मैंने बताया, जो पहले पहला जो था वो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम और दूसरा ये क्वांटम कन्फाइनमेंट। प्रभावी क्वांटम प्रतिरोध के लिए पदार्थ का आकार 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर तक होना चाहिए। जैसा अपने पहले भी डिस्कस किया ये 5% जो है वो 30 नैनोमीटर और 20% जो है वो 10 नैनोमीटर तक है, यानी ये जो रेंज है ये रेंज होनी चाहिए। क्वांटम प्रतिरोध 1D या 2D हो सकता है
और इसके लिए महत्वपूर्ण ये है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नैनो मेटेरियल के ऐसे मेटल्स जो हैं वो ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जो कि ज़्यादातर पदार्थ परिलक्षित नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये डिस्कस करना है कि अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। नैनो मेटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें सबसे पहला जो है इनमें प्रकाशीय गुण होता है। प्रकाशीय गुण का मतलब, प्रकाशीय गुण का मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जब नैनो साइज के मटेरियल जो हैं वो अपने रंग परिवर्तित करते हैं और इनके आकार के कारण पदार्थ द्वारा द्वारा परावर्तित और अवशोषित प्रकाश भी भिन्न होता है। इन पदार्थों पर जब पराबैंगनी प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट लाइट जब आपतित की जाती है तो ये विजिबल लाइट जो है इमिट करते हैं। जो मोर के जो पंख, मोर पंख कहते हैं, मोर पंखों में जो कलर दिखते हैं वो भी इसी गुण के कारण है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें इनके रासायनिक सक्रियता, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बल्क मटेरियल से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये नैनो मटेरियल्स के अधिक सतही क्षेत्रफल के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा का ये स्टोरेज करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कहें तो जो इनकी कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे हार्डनेस है, इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट मीन्स यंग्स मॉडुलस है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये सब जो है चेंज हो जाते हैं। गलनांक की बात करें तो इनका जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है। अब कौन कौन सी इनकी जो मेटेरियल जो है नैनो मेटेरियल की क्या क्या साइज होती है, तो जो नैनो मेटेरियल के जो पार्टिकल हैं उनके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। एक जो नैनो लेयर जिसको कहते हैं, वो नैनो लेयर वो एक डायमेंशन यानी 1 डायमेंशन जो है उसको सरफेस फिल्म के रूप में, तो उसका जो साइज है वो भी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है। नैनो ट्यूब, नैनो मेटेरियल ये जो 2 डायमेंशन होती है जो फाइबर शीट्स हैं उसकी, यही 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, और इनको नैनो ट्यूब के नाम से जाना जाता है। नैनो पार्टिकल्स जो नैनो मेटेरियल जो 3D रेंज के जो हैं वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की रेंज के हैं। और क्वांटम डॉट्स, ये सेमीकंडक्टर नैनो मेटेरियल है जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के जो हैं, इनको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। इनकी यूजेज के बारे में बात करें कि नैनो मेटेरियल का क्या क्या यूज है। नैनो मेटेरियल के अगर यूज के बारे में हम बात करें तो बहुत सारी जो ऐसी हैं जो चीज़ें हैं जो दिन रोज़मर्रा की चीज़ें जो ऐसे काम में आने वाली हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों इनका जो है ना उपयोग होता है। जैसे फिल्टर्स हैं, स्विचेज हैं, सॉफ्ट और परमानेंट मैग्नेट्स हैं, कटिंग टूल्स हैं, सेमीकंडक्टर, लेजर, नैनो ट्रांजिस्टर, मेमोरी डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर और ये लेजर वगैरह, इनकी डिवाइसेस की अगर हम साइज़ की बात करें तो इनकी साइज़ में इतना जो डायमेंशन, जो डिवाइसेस की डायमेंशन है उसमें इतना डिक्रीज मतलब इतना ये कम हुआ है कि हर 2 साल में इतना चेंज आ जाता है कि आप देखिए कि अगर आज तक अगर देखें तो जो कभी जो ट्रांजिस्टर की साइज़ किसी साइज़ होती थी वो आज की तारीख में और उसके अंदर बहुत, कभी अगर 1950 से पहले की बात करें तो जो 1 सेंटीमीटर की थी जो उनकी साइज़ होती थी वो आज 2020 के अंदर 1 से 5 नैनोमीटर की साइज़ की हो गई है। अब ये जो गैप है वो अपन ध्यान से अगर इसको देखें तो इतना जो चेंजेज आया है इसकी साइज़ के अंदर। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन बेस्ड सेंसर्स बनाने में इनका उपयोग होता है। मेडिकल फील्ड में इनके जो ड्रग डिलीवरी और इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से हम इसका जो अपने कोर्स के हिसाब से देखें तो नैनो मेटेरियल का ये जो इसका इंट्रोडक्शन है, वैसे अपने कोर्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हमने इसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी डिस्कस किया है और
इनके अलग अलग आकार के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी की हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया है। सो पूरा ये इसका ध्यान से पढ़ें। थैंक्स।